अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नवाज़ न्यूज़ सां गॾु आहियां संजा सैयद। आउं आहियां बशारत सुमरो। हलंदासीं हेलन सरफ। सिंध के वे वजीर सैद मुराद अली शाह पारा सिंधु दरिया के साजे पास सारियाले फसल के पोखी से कलम 144 लागू करण की हिदायत। वे वजीर जो चवण है सारियाले फसल के रोजाना 16-50 mm पानी घुर्जे। सिंधु दरिया के साजे पास सारियालो फसल पोखण से कपह ए कमंद की पैदावार मुतासर थी है। जर कें बेजारो पोखो है तो उनके भी खत्म किया वे। अगूणे वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट चेयरमैन की चूंड के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर छोड़ो। दरख्वास्त में वफाकी हुकुम सादिक संजाणी सेनेट सेक्रेटरी समेत बेन के धुर बनाया पो। दरख्वास्त में सदा कई वही है तो सेनेट चेयरमैन जो 12 मार्च वो नोटिफिकेशन मुअत्तल करण समेत सेनेट चेयरमैन की चूंड के कलदम करार दिनों वे। सिंध के वे वजीर सैद मुराद अली शाह की सदारत हेठ कराची के टिन अस्पतालों के हवाले से इजलास। वफाकी हुकूमत तरफा जिना अस्पताल NICVD NICH के बोर्ड ऑफ गवर्नर जरिए हलने अदालती फैसले की भंजकड़ी करार। वे वजीर जो चवण है असा टिन्हीं अस्पतालों के ठहण में वही मेहनत कई है। सिंध हुकूमत वट अस्पतालों के हलने ला एक बेहतरीन प्लान है। टिन्हीं अस्पतालों के वफाक हवाले करण से मरीज परेशान थी। नून लीग अगवान हमजा शहबाज भी कोरोना वायरस में मुब्तला थी पो। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव अचान का पोए हमजा शहबाज घर अंदर आइसोलेट। कोरोना वायरस की टी लहर तेजी से पखेड़ लगी। कोरोना रोगी 20 मरीज फोत 3,679 मानून में कोरोना की तस्दीक। कोरोना में इजाफे का सजे मुल्क में पाबंदू सख्त करण से गौर विचार। NCOC के इजलास में अहम फैसलों को इम्कान। तालीम वाले वफाकी वजीर शफकत महमूद जो चवण है तालीम इदारा खुलियल रखण या बंद करण जो फैसलो 24 मार्च वाले इजलास में कर वो। वफाकी घरू वजीर शेख रशीद भी कोरोना का बचाव की वैक्सीन लगाए छी। शेख रशीद जो चवण है कोरोना की वबा पाकिस्तान में बेहद तेजी से पखड़ी रही है। वैक्सीन जरूर लगनी घुर्जे। इलेक्शन कमीशन के स्क्रूटनी कमेटी परडेही फंडिंग केस में PTI जो रिकॉर्ड अकबर एस बाबर के देने का इनकार कर छो। कमेटी के सरबराह चाहिए तो पांच ऑर्डर से कायम आया अकबर एस बाबर के रिकॉर्ड नो दई सके। दरख्वास्त गुजार रिकॉर्ड वटने की अहल ना है। शहर की गुमशुदगी जो मामलो इंतहाई हसास है। इंसान हकन की भनकड़ी की रही है पर को भी इदारो सहकार न कर रो है। सिंध हाईकोर्ट शहर की गुमशुदगी खिलाफ दरख्वास्त से रिमांड अदालत गुम थे शहर के बाजियाब कराने का हुक्म दीदे है। शहर की गुमशुदगी बारे मामले से संजीदगी न दियारण से अटॉर्नी जनरल से तलब कदी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के कराची की दहशतगर्दी टोड़ अदालत में पेश किया। जज मोकल के होने सबब केस की कार्रवाई 7 अप्रैल तक मुलतवी। हलीम आदिल शेख जो चवण है सिंध में रोलू कुता शेरन के डाढ़े जख्मी कर रहा है पर सूबाई हुकूमत कख मनी बीड़ो ना किया। सिंध जहा नंढा हुक्मरान मुआशी दहशतगर्द हैं मुख्य सियासी दहशतगर्दी जो निशानो बनाए रहा है। मोरोभर सारे फारसा से गवर्नमेंट हाई स्कूल में एक शख्स जो लाश उठाया हुआ है। लाश की सुणप स्कूल के पटे वाले हफीजुल्लाह चांडियो तौर थी। पखो लगो गोठ गुगारो के सिम शाख वट एक शख्स जो लाश उठाया। लाश की सुणप मिर्जापुर वासी गुलशेर अहमद गाड़ी तौर थी।
नवकोट भरसाकोट गुलमोहन जसनाणी में बाड़ो पानी के तलाव में बुढ़ी फौत गयो फौती बाड़े माजिद अली जो लाश घर पहुंचने पे पहाड़ मच गया। आई मीरपुर खास लगी शादी पली मोड़ वट दिन मोटरसाइकिल में टक्कर नौजवान फौती वे कंडियार वेजो कौमी शराते ट्रालर जो मोटरसाइकिल की टक्कर एक जनो फौत एक जख्मी दोदापुर वेजो रोडासे में जख्मी थे पीसन अली मोहम्मद बिरोई जख्मन की सट नसन में फौती वो दादू डोकरी अहमदपुर में रोडासन के नतीजे में नव जड़ा जख्मी अस्पताल मुंतकिल।